मिर्जापुर जिले में विकासखंड हालिया के ग्राम सभा ऊटी में अधिक जनसंख्या में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिए। ऊटी ग्राम सभा के समस्त ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर ग्राम प्रधान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, जिसमें ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश 2 महीने पहले किया गया था। ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य में अनियमितता जांच की रिपोर्ट 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करें, लेकिन जिलाधिकारी महोदय 30 दिन की जगह 2 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी कहा गया कि प्रधान इतना मनबढ़ हो गया है कि आए दिन किसी न किसी के ऊपर महिला छेड़छाड़ व SC ST जैसे अपराध में फंस रहा है। प्रधान के ऊपर सख्त कार्यवाही किया जाए और उनके द्वारा गमन किए गए धनराज को रिकवरी के रूप में वापस लेकर सभी अभियार्थियों को पुनः दिया जाए। इस प्रक्रिया के बाद आयुक्त कार्यालय में भी इंसाफ की गुहार लगाई गई। गांव के सभी की समस्या यह है कि लोगों के आवास का पैसा गलत तरीके से ग्राम प्रधान पति राजेंद्र प्रसाद कुंदे ने आहरण कर लिया है और यहाँ की गरीब जनता का आवास नहीं बना, शौचालय नहीं बना, इंटरलॉकिंग खरिंजा में भी कई लाखों का गमन किया गया है। ग्राम प्रधान के ऊपर करोड़ों का गमन, उसके साथ साथ भूमफेयर होने के भी आरोप लगे हैं। ग्राम प्रधान सुमित्रा देवी जी हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद कुंदे जी बंजर परती एवं आबादी की जमीन को कब्जा कर रखे हैं और आए दिन यहाँ की छोटी जात की महिलाओं से बुजुर्ग के ऊपर 376 का झूठा आरोप भी लगवा करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। शासन से निवेदन है कि इस तरह की घटिया प्रधान के खिलाफ अच्छी तरीके से जांच कराई जाए और उसको ग्राम प्रधान पद से हटाया जाए और उचित एवं कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि यहाँ की गरीब जनता सुखी रह सके। गांव के तमाम सम्मानित लोगों हीरामणि गुप्ता, अर्जुन प्रसाद, ओम शंकर, बुद्ध यादव, बंधु यादव आदि लोग उपस्थित रहे। Star 7 TV न्यूज के साथ रिपोर्टर राम सागर प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आज किस लिए लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। हम इस समय मिर्जापुर में जिलाधिकारी महोदय के कक्ष के ठीक सामने खड़े हुए हैं और ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं इनसे कि आज ये लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद गुप्ता, ग्राम ऊटी विकास खंडिया तहसील लालगंज जिला मिर्जापुर। ऊटी के रहने वाले हैं? ऊटी के रहने वाले। क्या समस्या है आप लोग? कितना ये समस्या है सर? हमारे यहाँ 38 आवास, 126 शौचालय जी आए हुए थे, जिसमें से न एक भी शौचालय बने हुए हैं, न तो एक भी आवास बना हुआ है। और पैसा सर सबका निकल चुका है, कंप्लीट है। अब खड़ंजा सर है, एक ही खड़ंजे का 70 मीटर खड़ंजा है, कम से कम 7 बार पैसा सर निकाले हैं। अब करीब 3 लाख रुपए सर कागज सोलर लाइट पे निकलवाए हुए हैं, जो कि एक भी कागज सोलर लाइट नहीं लगा हुआ है। और हंड पाइप का, रिबोर का, बोर का पैसा निकाले हुए हैं, लेकिन एक भी कार्य नहीं हुआ है सर। अभी इसका कई बार एप्लीकेशन DM के यहाँ, SDM के यहाँ और लोगों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, इसके पहले इस संबंधित में एप्लीकेशन आप दे चुके हैं? कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। जब नहीं सुनवाई हुई तो मैंने याचिका दाखिल किया था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उसकी क्या कहती हूँ, आदेश हुआ था DM साहब को 30 दिन के अंदर इसका जांच करने के लिए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं। 2/2/2019 को ऑर्डर आया था। 2/2/2019 में जो है ये हाई कोर्ट न्यायालय में अपना केस दाखिल किए थे और वहाँ से ये आदेश दिया गया था कि 30 दिन के अंदर इसकी रिट है, उसने लिखा है 30 दिन के अंदर उनको जो है डिटेल कंप्लीट कराया जाए, लेकिन अभी तक वो 2 महीने से लगातार ये जो लोग भाग रहे हैं और इनका किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं सुनवाई हो रहा है। और कुछ कहना? आपका नाम क्या है? हमारा नाम संपत्ति है सर। आपको क्या परेशानी है? हमारी परेशानी है कि प्रधान बार बार मार रहा है साहब, गरीब मनई। किस लिए? किस लिए मार रहा है? मार रहा है, हमारा मकान है, हमारे मकान में ढकारन के घुसेर के हमको मरवाया, फिर साल मरवाया साहब। ये फुकवा दिया गया है मकान को, जो है आग लगा के और जला दिया गया। मेरा लड़का अंधा है, यहाँ से सड़क का लड़का अंधा है, अंधा खड़ा है लड़का, और इनका एक ही मकान था, उसको जला दिया गया। ये लोग कैसे बसेरा करेंगे? प्रशासन इस पर एकदम मुख बनकर देख रहा है। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, कृपया
जागिए और जो है इन लोगों का हेल्प करिए। आपका नाम क्या है? सरकार हमारा नाम आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? हमारा कॉलोनी नहीं बन रहा है। आपको मिला था कॉलोनी? कितने दिन पहले मिला था? पाँच छः साल पहले। लेकिन वो कॉलोनी बना नहीं है। पैसा आपको दिया गया? कितना मिला है आपको पैसा? 40,000 दिया गया है। बताना चाहेंगे कि इनके आवास का टोटल पैसा प्रधान निकाल के इनको सिर्फ 40,000 दे के सारा पैसा ले लिया। अब सोचिए, ऐसे गरीब आदमी को 40,000 देने पर ये कहाँ से आवास बना पाएंगे? ऐसे ऐसे इतने केस है लगातार। उस ग्राम सभा में जाने के बाद कोई एक भी जो है मकान नहीं दिखता, सभी झोपड़पट्टी मकान है। ऐसे प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। सर, एक चीज और है कि अगर ऐसे भी अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मरने मिटने हर ढंग से तैयार हैं। इनका कहना यह है। हाँ बताएं। प्रधानपति द्वारा जी पूर्व में वो प्रधान थे, उनके खिलाफ 5,500,000 गमन का केस जी हाईकोर्ट के आदेश के तहत जाँच हुई, FIR दर्ज हुआ जी फर्जी पते पर रीट करके जी। फर्जी पते पर इन्होंने कराई, ये अपील करके कमिश्नर के यहाँ। हाँ। और तारीख पर नहीं आए जी और मुकदमा खारिज हो गया। तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, शासकीय अधिवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि उसी समय मतलब जो है कलेक्शन चार्ज में इनके खिलाफ। इनका कहना यह है कि ये जो है पहले से भी पर्याप्त पैसे की गमन में जेल जा चुके हैं और फर्जी एड्रेस पर ये जो है अपना बेल करा के और अच्छे तरीके से घूम रहे हैं और दूसरों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे जो है प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। हम प्रशासन से निवेदन करेंगे, ऐसे प्रधानों को चिन्हित किया जाए। ग्राम सभा ऊँटी है, ऐसे प्रधानों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। स्टार 7 TV न्यूज से अखिलेश तिवारी।